सभी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखे के लचीलेपन के निर्माण पर केंद्रित है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लगाया पौधा, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन की शुरुआत। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान किया जारी। कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,288.52 लाख मेट्रिक टन अनुमानित, जो पिछले पाँच वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 211 लाख मेट्रिक टन है अधिक। देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन को दिया जा रहा है बढ़ावा। राजस्थान के बूंदी जिले में बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। परीक्षणार्थियों को बकरियों में रोगों की रोकथाम, टीकाकरण, उत्तम नस्लों और आहार के बारे में दी गई जानकारी। असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति बरकरार। बाढ़ ने अब तक ली है 24 लोगों की जान। रोड और यातायात प्रभावित होने से जनजीवन अस्त व्यस्त। कछार, नागांव, करीमगंज सहित असम के 10 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर वर्ष 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रिजाइलेंस, यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता है। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। पर्यावरण में समुद्री प्रदूषण, जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक करता है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का फैसला 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था। इस सम्मेलन का थीम पर्यावरण संरक्षण था। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में मनाया गया था। साल 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम एक पृथ्वी थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण के प्रति लोगों को जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए हम खुद को याद दिलाएं कि धरती माता की रक्षा करना हमारी मूलभूत जिम्मेदारी है। हम प्राकृतिक संसाधनों के मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी हैं। जलवायु परिवर्तन जीवन और आजीविका को प्रभावित कर रहा है, खासकर कमजोर समुदायों में। आइए हम स्थिरता के आधार पर एक बेहतर और हरित दुनिया के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई दी है। जगदीप धनखड़ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, विश्व पर्यावरण दिवस पर बधाई। मानवता और प्रकृति के बीच सामंजस्य ही स्थायी जीवन का आधार है। हमारी सभ्यगाता परंपराएं हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य का जीवन जीने में मार्गदर्शन करती हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित बुद्ध जयंती पार्क में एक पौधा लगाया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन की शुरुआत भी की है। ये देश भर में करोड़ों पेड़ लगाने का अपनी तरह का एक अनूठा जन आंदोलन होगा। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हरित आंदोलन की नींव रखी है। साथ ही उन्होंने लोगों से पेड़ लगाने की अपील भी की। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुद्धा गार्डन में पेड़ का वृक्षारोपण किया, पर यह मात्र एक पेड़ का वृक्षारोपण नहीं है। आज से उन्होंने एक बहुत बड़े हरित आंदोलन की भागीदारी की नींव रखी है,
एक तरीके से उसका बीजारोपण किया है। ये जो कार्यक्रम है एक पेड़ माँ के नाम, हम धरती को अपनी माँ मानते हैं, लेकिन हम सभी से ये आग्रह करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि अपनी माँ के नाम पर या माँ को साथ खड़ा करके, अगर माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है तो उनको खड़ा करके उनके साथ ये पेड़ लगाना है। और आइए अब पर्यावरण दिवस के अवसर पर देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार संस्कृत के प्रति सदैव जिज्ञासा मति वाले छात्रों और साधारण नागरिकों के हिमालयाई अभियान से संबंधित हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। प्रसिद्ध संस्कृत सूक्ति के साथ अपनी पारिस्थितिकी द्वारा वैश्विक पर्यावरण और विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप को सदियों से एक आदर्श स्वच्छ प्रकृति प्रदान कर समग्र वातावरण या पर्यावरण को संशुद्ध करता रहा है। वस्तुतः पर्यावरण के प्रति उपभोगवादी दृष्टि से कहीं दूर आध्यात्मिक भावनाओं और विचारों का उत्कृष्ट एवं प्रखर प्रवाह भारतीय ज्ञान परंपरा की एक अनन्य विशेषता है और इसी विशेषता को अपेक्षया पर्यावरण विमुख आधुनिक युग में लोगों द्वारा आत्मसात कर जीवन यापन करना आज संपूर्ण मानव जाति की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है। इसी क्रम में मुख्यतः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली और संस्कृत भारती शिवमोग्गा जैसे संस्कृत संस्थानों के छात्रों तथा सर्वसाधारण नागरिकों द्वारा देवतात्मा हिमालयः भारतात्मा हि संस्कृतम् इस प्रबल उद्घोष के साथ हिमालयारोहण कर न केवल संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु कुछ अलग ही किया गया बल्कि प्राकृतिक सुषमा की सुरक्षा इस विषय को संवेदनशीलता के साथ भी रखने का काम किया गया। इस वर्ष प्रथमतः हमारे छात्रों को हिमालय के कुल्लू मनाली के पास चंद्रखानी पास में पर्वतारोहण का अवसर मिला। इस पर्वतारोहण का दो मुख्य उद्देश्य था, एक तो हमारे संस्कृत का प्रचार प्रसार करना, दूसरा हिमालय का संरक्षण का संदेश देना और पर्यावरण संरक्षण से संस्कृत भाषा विकास को जोड़ना। क्षितिर्वारि हविर्भुक्ता वायुराकाशे एव च स्थूलभूता इमे प्रोक्ताः पिण्डोऽयं पाञ्चभौतिकः। निःसंदेह पर्यावरण संरक्षण की मनोदशा और अपेक्षित अन्य दशाओं और दिशाओं को हृदयंगम करते हुए इस संबंध में यह हिमालयीय संस्कृतगत और पर्यावरण परक अभियान लोगों में भारतीय संस्कृति की आदर्श स्थिति एवं समुचित पारिस्थितिकी प्रबोध से अन्वित संस्कृत वाङ्मय के प्रति जनमानस को और अधिक आकृष्ट कर सकेगा। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज़। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,288.52 लाख मेट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले पांच वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 211 लाख मेट्रिक टन अधिक है, जिसमें चावल 1,367 लाख मेट्रिक टन, गेहूं 1,129.25 लाख मेट्रिक टन, मक्का 356.73 लाख मेट्रिक टन, श्रीअन्न 174.08 लाख मेट्रिक टन, तूर 33.85 लाख मेट्रिक टन और चना 115.76 लाख मेट्रिक टन है। वहीं कुल तिलहन 395.93 लाख मेट्रिक टन रहने का अनुमान है। देश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए युवाओं और किसानों को प्रशिक्षण के साथ ही अनुदान भी दिया जाता है। इस कड़ी में राजस्थान के बूंदी जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पर बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बूंदी, कोटा, बारां में टोंक जिले के 37 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में किसानों को बताया गया कि बेरोजगार युवाओं के लिए बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय बन सकता है। बकरी पालन करने पर इससे दूध, मांस व खाद प्राप्त होता है, जिसका विपणन करके अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। इसीलिए बकरी पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाकर रोजगार का साधन बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान पशुपालक प्रशिक्षणार्थियों के बकरी में होने वाले रोग की रोकथाम, बकरी की उत्तम नस्लें, गर्भावस्था के दौरान देखभाल,
बकरी का आवास, बकरियों के लिए आहार व चारा प्रबंधन, टीकाकरण, चारे के लिए वृक्षारोपण, वर्ष भर चारा उत्पादन, पशु आहार बनाने के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान प्रायोगिक जानकारी जैसे बकरी का वजन तोलना, डीवॉर्मिंग, टीकाकरण का समय तथा टीकाकरण की विधि, खुर काटना, उम्र का निर्धारण, आहार बनाना, टैग लगाने के बारे में भी बताया गया। साथ ही बकरी के दूसरे उत्पाद जैसे पनीर, मावा बनाना, रिकॉर्ड डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद। एप्लीकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। किसानों को आवेदन के समय एवं लॉटरी में चयन के बाद फील्ड अधिकारी द्वारा सत्यापन के समय आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक, जारी जाति प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र जैसे कुछ दस्तावेज अपने पास रखने होंगे। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारंभ की जा चुकी है। किसान आवेदन नजदीकी MP ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी किसान पोर्टल पर देख सकते हैं या अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करके भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर डीजल और विद्युत पंप सेट देने के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। जारी लक्ष्यों के विरुद्ध किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए किसान आज यानी 5 जून तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद लाभार्थी किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। मध्य प्रदेश में किसानों को अलग अलग योजनाओं के तहत डीजल और बिजली पंप सेट पर किसान वर्ग एवं जो श्रेणी के अनुसार अलग अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 50% तक है। आज यानी 5 जून तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं किसान। लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा लाभार्थी किसानों का चयन। और रुख करते जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा में जंगल की आग भड़क गई है। वन विभाग, सामाजिक वानिकी दल और स्थानीय लोग आग पर काबू पाने का काम कर रहे हैं। तेज आग की लपटें पूरे जंगल में फैलती जा रही हैं और आग ने कई वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। अगली खबर असम से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। रोड और यातायात प्रभावित होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। असम में कोपिली और कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कछार, नगांव, करीमगंज सहित असम के 10 जिले से 25 में अप्रैल महीने 60,302 टन के पार पहुँच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 72,836 टन का रहा था। बात आवक की करें तो दूसरे राज्यों के मुकाबले मंगलवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में बीते सोमवार को मूंगफली का भाव था 5,425 रुपए। मंगलवार को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 5,525 रुपए पर जा पहुँचा। इसी तरह राज्य की ही जेतपुर मंडी में मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 3 जून को यहां मूंगफली का भाव रहा 5,705 रुपए। 4 जून को इसके सौदे 70 रुपए मजबूत होकर 5,775 रुपए पर हुए। वडगाम मंडी में 3 जून को मूंगफली का भाव रहा 6,070 रुपए। 4 जून को इसके सौदों में 10 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,080 रुपए। जबकि वेरावल मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 3 जून को मूंगफली का भाव रहा 6,100 रुपए।
4 जून को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 6075 रुपए हो गया। मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023 से 24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मूंग की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 3 जून को लोकल मूंग का भाव रहा 7905 रुपए, 4 जून को इसके भाव में 225 रुपए की गिरावट आई और भाव 7680 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही दाहोद मंडी में मूंग के सौदे नरमी के साथ हुए। 3 जून को यहां मूंग का भाव था 8150 रुपए, 4 जून को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 8000 रुपए पर हुए। ध्रोल मंडी मूंग के भाव की बात करें तो यहां 3 जून को मूंग का भाव रहा 7900 रुपए, 4 जून को इसके भाव में 215 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 8115 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में 3 जून को मूंग का भाव रहा 7400 रुपए, 4 जून को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 7500 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। हालांकि उत्तर प्रदेश की मेहरोनी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 4 जून को मूंग 8000 रुपए पर बिकी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023 से 24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दाल के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 से 25 में अप्रैल महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 66,421 टन का हुआ है, जबकि साल 2023 से 24 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 88,240 टन का हुआ था। यानी अब तक कुल दलहन के निर्यात में करीब 21,000 टन की कमी देखने को मिली है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। एक हेक्टेयर में भिंडी की बुवाई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुवाई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को साफ कर लें। बुवाई करते समय कतार के कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुवाई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की एक हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है। IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है।
अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और आइए अब जानते कुछ और खबरें खास खबर में। 18वीं लोकसभा की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं कांग्रेस 99 सीट जीत कर दूसरे नंबर पर है। समाजवादी पार्टी को आम चुनाव में 37 सीटें मिली हैं। इस जीत के साथ ही समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चुनाव परिणामों में तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीट, डीएमके ने 22 सीटें जीती हैं, वहीं टीडीपी ने 16 और जेडीयू ने 12 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 292 सीटें जीती हैं, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने 233 सीटें हासिल की हैं। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए को बड़ा जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की लगातार तीसरी जीत को देश की जीत बताया। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिली जीत पर पीएम मोदी को विदेशों से बधाई मिलनी शुरू हो गई है। इसी क्रम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को बधाई दी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगन्नाथ ने पीएम मोदी को बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए प्रशंसनीय जीत पर बधाई। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ ने आगे लिखा कि दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि और स्थिरता की खोज में हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूं। बीते दो लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस ने इस बार कई राज्यों में जोरदार लड़ाई पेश की। कांग्रेस अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए सीटों के आंकड़े को दुगना करने में भी कामयाब हो गई। चुनाव से पहले बने विपक्षी गठबंधन ने खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान में शानदार प्रदर्शन किया। फिर भी कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज जो पिछले कई चुनावों में और इस बार भी उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद नई सरकार का गठन 16 जून से पहले होना है, क्योंकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। आरबीआई गवर्नर 7 जून को मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए फैसले का करेंगे ऐलान। जानकारों को उम्मीद है कि आरबीआई लगातार 8वीं बार रेपो रेट को रख सकता है स्थिर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की नई दरें जारी की। देश की राजधानी दिल्ली में प्रति पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपये और प्रति लीटर डीजल की कीमत 87.66 रुपये है। उत्तराखंड में सहस्त्रताल की ट्रैकिंग करने के लिए ट्रैकिंग समूह के 4 सदस्य खराब मौसम के कारण रास्ता भटक गए, वहीं बाकी लोग इस उच्च हिमालयी ट्रैक रूट में फंस गए हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।